और देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या को नई पहचान दिलाने में दिन रात जुटे हुए हैं। अगर आपके पास समय कम है तब भी आप भगवान राम की धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी अयोध्या की परिक्रमा कर सकते हैं। सरकार ने उड़न खटोली की सेवा शुरू कर दी है। रामनवमी पर धर्मनगरी अयोध्या को यूपी की योगी सरकार ने एक और तोहफा दिया है। श्रद्धालु अब अयोध्या का हवाई दर्शन कर पाएंगे। 15 दिन के लिए ये सुविधा ट्रायल के तौर पे शुरू की गई है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक भगवान राम की अद्भुत नगरी का दर्शन कर सकेंगे। यही नहीं, मात्र 3000 रुपए में महज 7 मिनट में आकाश से रामलला की नगरी का श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान हेलीकॉप्टर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के ऊपर से गुजरेगा। सीएम योगी की पहल पर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन की ये कोशिश 2024 में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले का रिहर्सल भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि हेरिटेज एविएशन संस्था माता वैष्णो देवी, प्रयागराज कुंभ और देश के कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दे चुकी है। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये विशेष सुविधा उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा शुरू की गई है, जिसका 3000 रुपए किराया प्रति व्यक्ति। चैत्र नवरात्र की आज महानवमी है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है और नवमी के मौके पर सीएम आज हमेशा की तरह कन्या पूजन करेंगे। महानवमी के दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की आज पूजा हो रही है। मंदिरों और घरों में लोग माता से सिद्धियां पाने के लिए अपनी अर्जी लगा रहे हैं। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राज्य के विकास और शांति की कामना को लेकर शक्ति उपासना में जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार रात्रि गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ में विधि विधान से मां महागौरी की पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीठ की परंपरा के अनुसार हवन और आरती के साथ मुख्यमंत्री ने अनुष्ठान पूर्ण किया और मां जगत जननी से प्रदेशवासियों के मंगल की प्रार्थना की। वैदिक विधि विधान के साथ कन्या पूजन कर सीएम योगी ने माता की आराधना की।